हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। भाई बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज फिटनेस जिम कभी गए हो, मैक्रोस के बारे में सुना है कि भाई प्रोटीन कार्ब्स फैट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। देखा सुना पढ़ा, हमने भी कई वीडियो बनाया, आपने भी कई वीडियो देखे, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझाया। लेकिन आज बात करेंगे फोर्थ मैक्रो की, जो चौथा बल्कि इन तीनों से भी बढ़ के मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपको चाहिए। मैक्रो है जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसके वजह से मानोगे क्या हो सकता है, जिसके वजह से आपकी परफॉर्मेंस मतलब बनी बनाई अच्छी खासी बॉडी पावर स्ट्रेंथ, जो आपका परफॉर्मेंस था, जो आपका एंड्योरेंस था, जो आपके अंदर मोटिवेशन थी, ये सारी चीज़ें ठप हो सकती है, कम हो सकती है, अल्टीमेटली किए किराए पर पानी फिर सकता है। वो बड़ी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना है। बहुत कॉमन, इतनी कॉमन है कि आंखों के सामने है, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन है वो इतनी ज़रूरी। उसे कहते हैं पानी। जी हाँ, वाटर। वाटर इज द फोर्थ बिग मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसके बारे में ये जानना अति आवश्यक है कि कितना पानी चाहिए। जी हाँ, एक आम इंसान से कंपैरिजन में एक बॉडी बिल्डर को, एक एथलीट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उसको ज़्यादा खतरा होता है डिहाइड्रेट हो जाने का, उसकी ज़्यादा हीट इंटॉलरेंस हो जाने का भी खतरा होता है। क्यों खतरा होता है, कैसे होता है, क्या होता है, बात जानेंगे पानी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत ज़रूरी वीडियो है, अंत तक देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सो कई लोगों ने सुना होगा पानी हमारी बॉडी के बॉडी वेट कंपोजिशन में ज़्यादातर हिस्सा पानी का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ज़्यादातर का मतलब है फिक्स नहीं होता, 60 नहीं है, 65 नहीं है, ये है 45 to 75 रेंज है। जब डिहाइड्रेट हैं, कम भी हैं, तो भी कम से कम 45% और 75% मैक्सिमम, 45 to 75% ऑफ योर बॉडी वेट इज वाटर बेसिकली। राइट, वाटर क्यों जरूरी, इतना पानी क्यों है आपके शरीर में, कभी सोचा है? क्योंकि आपके शरीर में पानी जो है एक लुब्रिकेंट का काम करता है, हर जगह फ्रिक्शन कम करता है, आपका शरीर के अंदर शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, बिल्डिंग मटेरियल बनाना उससे होता है, चीज़ें उसमें डिजॉल्व होती हैं, न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम्स और हॉर्मोन्स ये सब डिजॉल्व उसमें, सॉल्वेंट का काम करता है, केमिकल रिएक्शंस के लिए सॉल्वेंट का काम करता है बॉडी के अंदर। जितनी टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई आपकी बॉडी अंदर से गर्म होती है, बाहर का टेम्परेचर गर्म होता है, बॉडी प्रोड्यूस करती है स्वेट प्रोड्यूस करती है ठंडा करने के लिए, शरीर ठंडा करने के लिए, तभी जब बुखार उतरता है तो पसीना ठंडा करता है शरीर, स्वेट ना एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी स्वेट ठंडा करती है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम है। न्यूट्रिशन लेके कौन जाएगा, खून में जो प्लाज्मा है, खून के अंदर भी प्लाज्मा जो होता है वो मेन वाटर ही है, बाकी तो खून के रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा, एल्बुमिन ग्लोबुलिन, लेकिन मेन चीज़ तो अंदर प्लाज्मा वाटर है। उसके अलावा जो बॉडी के अंदर जमा होगा वेस्ट प्रोडक्ट वो निकालेगा कौन, पानी। फ्लूइड बैलेंस कौन मेंटेन करेगा, ब्लड प्रेशर कौन मेंटेन करेगा, पानी। सो पानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाई साहब, बात पानी की इसलिए नहीं हो रही, बात हो रही है एथलीट्स की, बात हो रही है स्पोर्ट्स वाले लोगों की, बात हो रही है एक्सरसाइज करने वाले बॉडी बिल्डर्स की। इन लोगों को, एथलीट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना ज़रूरी है आपका हाइड्रेशन लेवल। हाइड्रेशन लेवल रैदर, भैया सब लोग भूलते हैं डाइट प्लान बनाओ, डाइट प्लान बनाओ, डाइट प्लान से ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेशन प्लान। जी हाँ, हाइड्रेशन, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई परफॉर्म, अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाना है, बॉडी बिल्डिंग परफॉर्मेंस बढ़ाना है, पावर लिफ्टिंग परफॉर्मेंस बढ़ाना है, आप बॉक्सिंग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, इन सब में हाइड्रेशन प्लान के बगैर यू आर नॉट गोइंग टू विन थिंग्स। हाइड्रेशन प्लान बहुत ज़रूरी है। क्यों, समझते हैं होता क्या है। देखिए, जब आप बिना हाइड्रेशन प्लान के बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर गर्मी में एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इंटेक उतना नहीं है जितना स्वेट लॉस हो रहा है, जितना पसीना निकलेगा। जब पसीना निकलना फ्लूइड इंटेक से ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी बॉडी हाइपोहाइड्रेशन में हो जाएगी। डिहाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रेशन कम है, हाइपोहाइड्रेशन, हाइपोहाइड्रेशन स्टेट कहते हैं इसको। इस हाइपोहाइड्रेशन स्टेट में अगर ऑब्वियसली आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम है
तो पानी कम होगा तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, कोर टेम्परेचर ज्यादा, पानी कम है तो ब्लड के अंदर वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा। प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा उस समय आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज के टाइम कम प्लाज्मा वॉल्यूम में आपका कोर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आपकी मसल्स को ज्यादा ब्लड चाहिए तो हार्ट रेट बढ़ता जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। क्यों हार्ट रेट बढ़ेगा सोचो, जब डिहाइड्रेट होते हो आपकी ब्लड वॉल्यूम कम है तो हार्ट से भी एक बार में पंप जो हो रहा है वॉल्यूम वो कम जाएगा, उतना कम खून बाहर एक बार में जाएगा, तो एक बार में जब कम जाना शुरू होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी इन रिस्पॉन्स की ज्यादा ब्लड पंप करें ताकि मसल्स को ब्लड जाए तो सही, और उसके साथ ही ब्लड प्रेशर इन सब के साथ क्या होगा, मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जितने देर में आपने थकना था उससे कम टाइम में थक जाओगे, यानी आपको परसीव्ड एक्सर्शन होगा, है नहीं एक्सर्शन, मसल में ताकत है, मसल और एक्सरसाइज कर सकती थी, आप और वजन उठा सकते थे, आप और काम कर सकते, और परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन बिकॉज आप हाइपोहाइड्रेशन स्टेट में हो आप जल्दी थक गए, आपको उस समय आपकी परफॉर्मेंस कम हो गई, आपको थकावट आ गई, फटीग हो गया, आपका आगे काम करने का मन नहीं करेगा, मोटिवेशन खत्म, पावर कम, एक्यूरेसी, अगर आपका कोई एक्यूरेसी वाला काम था कि तीरंदाज है, स्पोर्ट्स है, किक करना है बॉल को, ऐसा एक्यूरेसी खत्म, एक्यूरेसी कम हो जाएगी, आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, एंड्योरेंस कम हो जाएगी, तो भैया हाइपोहाइड्रेशन स्टेट इज नॉट वेर यू वॉन्ट टू बी, हाइपोहाइड्रेशन इज वेरी बैड फॉर यू, जीतने के लिए जीत नहीं पाओगे, राइट right? तब क्या होगा, कोर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तब आपको प्यास लगेगी। तो अगर आप एथलीट हैं, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, आपको प्यास लग रही है, आपको प्यास लग रही है तो आपने हाइड्रेशन प्लान नहीं बनाया, प्यास जब लगती है तब यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड, हाइपोहाइड्रेशन से भी आगे यू आर ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड। तो भाई साहब अगर आपको प्यास लग रही है तो आप हाइड्रेशन प्लान बनाइए, क्योंकि तब क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्वेट बनना कम हो जाएगा, पानी कम है तो स्वेट भी और निकालती थोड़ी जाएगी, शरीर पागल थोड़ी है, तब क्या होगा, स्वेट ही कम बनेगा तो अल्टीमेटली कोर टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा, कोर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा शरीर गर्म होता जाएगा, उसके भी अपने अलग नुकसान है, तो उसके अलग नुकसान है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, आपकी बॉडी गर्म होके गर्माहट से वॉमिटिंग, पेट में गड़बड़, लूज मोशंस, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, उस पर अलग वीडियो हमारा, वो होने के रिस्क बढ़ जाते हैं फिर। सो ये एक के बाद एक साइकिल है ऐसा, पूरा का पूरा बैड साइकिल। सो इसीलिए ये फोर्थ मैक्रोन्यूट्रिएंट को कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दो प्रकार के एथलीट्स की, एक जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, दो जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, रेगुलर ट्रेनिंग नहीं करते। एक तरह के का एथलीट होते हैं जो रेगुलर हॉट एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करते हैं। होता क्या है, किसी भी शरीर को ऐसे रेगुलर वाइज रेगुलैरिटी में किसी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे डालोगे तो वो अडैप्ट करता है। क्या अडैप्टेशन करेगा, अगर गर्म एनवायरनमेंट में, समर में, धूप में या बाहर एक्सरसाइज बार बार करेंगे, सो बॉडी का अडैप्टेशन तीन प्रकार से होता है। नंबर वन अडैप्टेशन कि वो पसीने का वॉल्यूम बढ़ा देगा, पसीना ज्यादा निकलेगा क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर मेंटेन करना है, बॉडी को ठंडा करना है, पसीना निकालेगा। फिर पसीने में इलेक्ट्रोलाइट, स्वेट में इलेक्ट्रोलाइट्स कॉन्सेंट्रेशन कम कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट लॉस नहीं करना है बॉडी को। सो एज कंपेयर टू अदर्स, आपके अंदर अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं धूप में, हॉट टेम्परेचर में, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर स्वेट कम होता जाएगा, तो स्वेट जोड़ा पानी ज्यादा हो जाएगी। और बल्कि एक और चीज होती है कि कम टेम्परेचर में ही आपका स्वेट निकलना शुरू हो जाएगा, तो स्वेट के लिए आपका जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाएगा। इन सब के वजह से जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं हॉट टेम्परेचर में, वो एथलीट्स, वो बॉडी बिल्डर्स जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ज्यादा पानी, ज्यादा जल्दी स्वेट निकलेगा, जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और इसीलिए उनको बचना पड़ता है, अपना हाइड्रेशन प्लान बहुत जरूरी होता है बनाना। और दूसरे प्रकार के वो एथलीट जो बहुत ज्यादा रेगुलरली धूप में या गर्म टेम्परेचर में एक्सरसाइज नहीं करते, उनको ऐसा अडैप्टेशन नहीं है, तो दे आर मोर प्रोन टू हीट स्ट्रेस।
तो उनको गर्मी वाली बीमारियां जल्दी हो जाती, हीट स्ट्रेस, हीट ट्रेन, जैसी धूप में एक्सरसाइज किया ऐसी तैसी हो गई, वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, अगर आप 40 के हो 45 के हो, तो आपके अंदर और ज्यादा रिस्क बढ़ता जाता है हाइपोहाइड्रेशन का, डिहाइड्रेशन, देन ऑल्सो आपका एक हाइड्रेशन प्लान बहुत जरूरी है। सो ये बात से समझ में तो आ गया होगा कि भैया एक हाइड्रेशन प्लान बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कितना पानी पीना चाहिए, किसको कितना चीना पीना चाहिए, क्या से कैसे अपना प्लान बनाएं, वो बाद में अगले वीडियो में। इस वीडियो में ये समझो कि चौथा मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसको आप इग्नोर कर रहे थे आज तक, वो पानी है। सो पानी के बारे में इतना नहीं पता होगा तो जरूर लोगों को शेयर करो वीडियो, बताओ और हमें बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।